संदीपन सर भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीपन सर, अगर आपसे मैं हाइलाइट्स के बारे में बोलूं तो आप सम अप कैसे करोगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मच एंटिसिपेटेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहित शर्मा की, स्पेशली जो पैट कमिंस की तरफ से आज रेवलेशंस हुई, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी, हाँ भाई हमारी तरफ से तो स्कॉट बोल्डलैंड खेलेंगे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर कंफर्मेशन दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसे कैसे सम अप आप करेंगे? अभी ऑडिबल संदीपन सर? नेटवर्क का कुछ इशू है क्या? शायद उनका फ्रीज हो गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन वही चीज है जो मेरे को जो एक चीज और लगती है ना, जो आपने ऑब्वियसली संदीपन सर से भी पूछा कि सबसे बड़ा एक तरीके से मैसेज इसमें से निकल करके आया, लेकिन हाँ, जैसे हमने भी पिछली बार जो है अपनी टीम पहले ही अनाउंस कर दी थी, आपको याद हो कि हमने भी अपनी टीम को पहले ही अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम कंडीशंस देख रहे थे कि यार कंडीशंस के लिहाज से तो हमने कहीं कोई गलती नहीं कर दी है, लेकिन यहाँ पर मुझे वही लगता है कि रोहित शर्मा शायद अगर रुके हैं इस चीज को लेकर के कि भाई हम टीम अनाउंस नहीं करेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये जरूर देखोगे कि भाई वो टीम अनाउंस ना करने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि आप कंटिन्यूअस कंडीशंस में चेंज देख रहे हो, और वो चेंज अगर लगातार आपको इसी तरीके से होता हुआ दिखता है, तो फिर अच्छा है कि भाई आप मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले अपनी एक फाइनल टीम दो, जो आपका बेस्ट पॉसिबल मूव कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को उस तरीके से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की तो यार बेस्ट लाइनअप ही है, वो कहीं ना कहीं, अगर मेरे ख्याल से कौन है वहां पे, टॉड मर्फी है ना उनके पास एक स्पिनर, और जी टॉड मर्फी को लाकर वो मेरे ख्याल से अपने आप को कमजोर ही करेंगे, क्योंकि स्कॉट बोलेंड या फिर अगर वो एक बॉलर और बढ़ाना चाहते थे तो वो स्कॉट बोलेंड ही होते, तो उनका आज टीम घोषित करना समझ में आता है, लेकिन हमारा, क्योंकि हमें या तो अश्विन को बिठाना पड़ेगा या ठाकुर साहब को बिठाना पड़ेगा, तो हमारे लिए दोनों ही बॉलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आप आज अगर यहाँ पर, संदीपन सर जुड़ गए, सर सबसे बड़ा टेक अवे क्या लगा और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी रोहित शर्मा की? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एज यूजुअल जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड लाइंस में ही था, उन्होंने कुछ रिवील नहीं किया, कंडीशन के बारे में वो मतलब अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो भी रिवील नहीं किया, इनफैक्ट वो ये बताए कि यहाँ पर ओवल का जो कंडीशन है वो चेंज होता रहता है, कि डे वन में एक कंडीशन होगा, डे टू में एक और कंडीशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो विकेट है ये अकॉर्डिंग टू रोहित शर्मा ये बहुत चेंज होता रहता है जैसे ही मैच गुजरता है, तो उनको बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहित अश्विन, अगर आप अश्विन जैसे क्वालिटी प्लेयर को टीम में नहीं ले रहे हो तो ये कितना बड़ा नुकसान इंडिया के लिए हो सकता है, तो उसी क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बताया कि यहाँ के ओवर, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अश्विन को नहीं खिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के कंडीशन चेंज होते रहते हैं, तो हम ही इज ऑल्सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, ऑल 15 प्लेयर्स आर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, तो बेसिकली उन्होंने कुछ रिवील तो नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो भी अनश्योर है अबाउट दिस कंडीशंस, क्योंकि देखिए 10:30 लोकल टाइम पे स्टार्ट है मैच, तो 10:30 इज अर्ली स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो 11 बजे शुरू होते हैं, और देखिए सुबह थोड़ा सा जो क्लाउड कवर रहता है यहाँ पर बॉल बहुत मूव कर सकता है, तो मेरा भी एक क्वेश्चन था, हालांकि मैंने वहां पर थोड़ा सा, मेरे से भी एक गलती हुआ, शुभमन गिल ने यहाँ पर दो टेस्ट मैच खेले हुए हैं, तो ओवल में वो पहली बार खेलेंगे, तो मैं वो पूछना चाहता कि ओवल या लॉर्ड्स में जब खेलते हो तो एक अलग सा वो ये रहता है, कोई भी बैट्समैन और इंग्लैंड आपको पता है कि ओपनर्स के लिए सबसे ज्यादा टफ कंडीशन माना जाता है, तो शुभमन गिल जैसे इंडिया में आईपीएल में बैटिंग कर रहे थे, उनके लिए वो चेंज ओवर टाइम कैसा होगा, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था। रोहित शर्मा जो ऐसे कंडीशन में एज एन ओपनर खेल चुके हैं, यहाँ पर 100 है उनके, रोहित शर्मा के, तो एज ए सीनियर, एज एन फेलो ओपनिंग पार्टनर, उनका एडवाइस क्या होगा? तो रोहित शर्मा ने यही क्वेश्चन में पूछा उनको, तो रोहित शर्मा ने वो बताया कि सुमन अभी जैसे खेल रहा है उनको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं, ही जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स। तो बिल्कुल सर, शुभमन गिल ने एक्चुअली वहां पर WTC फाइनल भी खेला था, और हम सबको WTC फाइनल भी खेला था, लास्ट ईयर बर्मिंगहम में भी खेले थे, यस, फिफ्थ टेस्ट, वन ऑफ टेस्ट जो हमारा पिछले साल हुआ वहां पर भी वन ऑफ टेस्ट खेले थे, लेकिन देखिए ये कंडीशंस डिफरेंट, क्योंकि बर्मिंगहम में जब मैचेस हुए थे वो 11 बजे शुरू हुआ था बर्मिंगहम का मैच, तो वहां पर अर्ली स्टार्ट नहीं था, लेकिन ये जो अर्ली स्टार्ट है और ये जो कंडीशन है यहाँ पर एज एन ओपनर बहुत आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं।